हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कबीर और आप देख रहे हैं द लोन वॉन्डर। आज से हम एक नई सफर की शुरुआत करेंगे जिधर मैं अलग अलग गेम्स खेलूंगा, उनके गेम प्ले डालूंगा, कुछ को रिव्यू करूंगा और आपको एंटरटेन करने की कोशिश करूंगा। जैसे जैसे हमारे चैनल का ग्रोथ होगा वैसे मैं और गेम्स खेलूंगा, अलग प्लेटफॉर्म्स पर खेलूंगा और आपको एंटरटेन करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, ये सुहाना सफर शुरू करने के लिए मुझको इससे बेहतर और कोई गेम नहीं मिला। जी हाँ दोस्तों, क्लैश ऑफ क्लैंस, क्योंकि इनके जो कंपनी है सुपर सेल, उनको 10 साल हो चुके और आज भी उनके गेम्स वर्ल्ड वाइड ट्रेंडिंग है। और मैं ये भी जानता रहूँगा, जैसे मेरा बचपन क्लैश ऑफ क्लैंस खेलते हुए बीता, वैसे आप लोगों का भी बचपन क्लैश ऑफ क्लैंस खेलते हुए बीता रहेगा। तो जैसा कि जब हमारे स्कूल में पहला दिन रहता था और हम हमारे टीचर से मिलते थे, तो हम हमारा इंट्रोडक्शन देते थे पहले दिन पे। हम भी कुछ वैसा ही करने वाले ये वीडियो में, मैं और मेरा बेस स्टूडेंट है और आप ऑडियंस मेरे लिए टीचर। तो सबसे पहले मैं अपने सारे रिसोर्स कलेक्ट कर देता हूँ। जेवलिन को रहे, गोल्ड लिया, ड्रैगन और एलेक्सा ले लिया। तो पहले मैं अपना टर्नल बता देता हूँ कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, टर्नल लेवल 9 का बेस है मेरा। फिर बात करते हैं मेरी प्रोफाइल की, एक लेवल 87 का एक्सपीरियंस है। मेरे ट्रूप्स की बात कर लेते हैं, मेरे पास है बारबेरियन, आर्चर, जाइन, गॉब्लिन, वॉल ब्रेकर और विजार्ड, वो सब लेवल 5 के हैं। मेरा जो बलून है वो लेवल 6 का है। पेका, मिनियन, हॉग्स लेवल 2 के, हीलर और ड्रैगन्स लेवल 3 के, बाकी लावाहुन, गोलम, वल्करी, बेबी ड्रैगन, विच सब लेवल 1 के। बात करें स्पेल्स के तो लाइटनिंग, रेज और हील मेरे लेवल 5 के हैं। बाकी जितने भी स्पेल्स हैं वो सब लेवल 1 के हैं। वही बात करें हमारे हीरोज़ के, तो मेरी जो आर्चर क्वीन है वो लेवल 6 ही, और अभी करंटली लेवल 7 के अपग्रेड में है। और जो हमारे बारबेरियन किंग है वो लेवल 9 के है और लेवल 10 में हो रहे हैं। मेरे विलेज को ज़रा अच्छे से दिखा देता हूँ आपको। ये मैंने चेंज किया अपने विलेज को, तो जैसे कि आप देख सकते हैं अभी हर एक जो कॉमन आइटम है वो सब एक जगह स्टोर हो चुकी है। तो पहले हम हमारे रिसोर्सेस को देखेंगे। मेरे जो एलिक्सर स्टोरेज है वो सब लेवल 11 के है, और मेरे जितने भी एलिक्सर कलेक्टर है वो सब भी लेवल 12 के है। और करेंटली मेरे पास कुछ नियर 38 लैक्स के यहाँ मेरे पास एलिक्सर पड़े। फिर बात करते हैं हमारी गोल्ड्स की, तो मेरे जितने भी स्टोरेज है वो भी सब लेवल 11 के है, और जितने भी माइन है वो भी सब लेवल 12 के है। और करेंटली अराउंड 15 लैक मेरे पास गोल्ड पड़ा है। वही बात करते हैं डार्क एलिक्सर की, तो ये रहे हमारे डार्क एलिक्सर, एक ही स्टोरेज है लेवल 5 का। और मेरे जो ड्रिल है वो 2 लेवल 4 के हैं और 1 लेवल 5 का है। और करंटली मेरे पास 9680 डार्क एलिक्सर है। बात करते हैं हमारी डिफेंस की, तो हमारे जो आर्चर टावर है 1, 2, 2 लेवल 10 के हैं, 3 लेवल 9 के और 1 लेवल 10 का है। वो करंटली अपग्रेड हो रहा है, मास्टर बिल्डर उसको अपग्रेड कर रहे हैं। मैं अगले वीडियो में बताऊंगा क्या अपग्रेड होएगा वो। फिर बात करते हैं हमारी कैनन्स की, सब लेवल 10 के हैं जिनमें से 3 लेवल 11 में हो रहे हैं। फिर हमारे जो हिडन टेस्ला है वो भी सब लेवल 3 के है। बात करते हैं विजार्ड टावर की, 2 लेवल 5 के है और 2 लेवल 4 के है। मेरे जितने भी बॉम्ब्स है वो भी सब लेवल 4 के। मेरा एयर डिफेंस जो है 1 लेवल 5 का है, बाकी के 3 और लेवल 6 के हैं। मेरे जो जाइंट बॉम्ब्स है 1 लेवल 3 का है, बाकी 3 और लेवल 2 के हैं। फिर हमारे एक्सबॉक्स दोनों लेवल 1 के। फिर बात करते हैं हमारे एयर बॉम्ब की, 1, 2, 3, 4 लेवल 3 के है। एयर स्वीपर भी हमारे दोनों लेवल 3 के। बॉम्ब टावर सिर्फ लेवल 1 का है हमारा, अपग्रेड करेंगे जल्द से जल्द। ये हमारे सीकिंग एयर माइन, वो भी तीनों लेवल 1 के ही है। बात करें स्प्रिंग ट्रैप की, तो एक एक ही लेवल 3 का है, 2 लेवल 2 के है और 1 लेवल 1 का है। हमारे जो स्केलेटन ट्रैप है वो दोनों भी लेवल 2 के हैं। अभी बात करते हैं हमारी आर्मी की, तो मेरे जो आर्मी कैंप है उसकी कैपेसिटी 220 है और 4 लेवल 7 के है। बात करें बैरिक्स की, तो 3 लेवल 10 के है और 1 लेवल 11 का है। और डार्क बैरिक्स में 1 लेवल 6 का है और 1 लेवल 4 का है। और स्पेल फैक्ट्री की बात करें, 1 लेवल 4
और डार्क स्पेल फैक्ट्री लेवल 3 का है। और हमारे पास 5 बिल्डर हर्ट्स है। अरे हम हमारे मोर्टार को तो भूल ही गए डिफेंस में। एक लेवल 6 है, बाकी तीनों लेवल 5 के है। बात करें मेरी करंट लीग की तो मैं हूँ क्रिस्टल लीग 3 में विथ 1913 ट्रॉफीज, और मेरा ऑल टाइम बेस्ट है 2032 क्रिस्टल लीग 3। और बात करें मेरे वॉर स्टार्स की तो मैं आज तक 104 स्टार जीत पाया हूँ। और हमारे जो वॉल्स है मेरे हिसाब से अराउंड 246 हमारे लेवल 7 के वॉल्स है, और बाकी जो 44 वॉल्स है वो हमारे लेवल 8 के हैं। तो हम अपने विलेज को वापस से नॉर्मली सेट कर देते हैं जैसे रहता है। तो ये हमने सेट कर दिया हमारे विलेज को। बात करते हैं हमारी क्लैन की, तो मैं एक लेवल 9 के क्लैन में हूँ जिसका नाम है द इंडियन क्लैन। और आप जैसे कि देख सकते हैं हमारी क्लैन ऑलमोस्ट फुल है, 49 मेंबर्स है आउट ऑफ 50। और करंटली हम लोग क्लैन वॉर लीग खेल रहे हैं, उसके बारे में मैं आपको अगले वीडियोस में बताऊंगा। वही बात करें मेरे अटैक स्ट्रेटेजी के बारे में तो मेरे को ड्रैगलून अटैक स्ट्रेटेजी बहुत पसंद है। ये तो हो गया हमारा होम विलेज, अब बात करते हैं हमारे दूसरे विलेज की। तो जी हाँ दोस्तों, ये हमारा दूसरा बिल्डो विलेज आ चुका है। मैं ज़्यादातर खेलता तो नहीं हूँ, पर फिर भी अच्छी खासी है अपग्रेड मेरी बिल्डो विलेज में। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ मेरा टाउन बिल्डर हॉल लेवल 6 है। मेरे जो करंट ट्रॉफी से अभी वो 1970 है, और मेरा ऑल टाइम बेस्ट है 2776, और हम आज तक 280 बैटल्स जीते हैं। बात करते हैं हमारी ट्रूप्स की, तो मेरे जो बारबेरियन है वो लेवल 10 के है। मेरे मिनियन बेबी ड्रैगन जाइंट और आर्चर चारों लेवल 9 के हैं। हमारे जो वॉल ब्रेकर्स है वो लेवल 8 के हैं, और हमारे जो कैनन और विच है वो लेवल 5 के हैं। बात करें हमारे हीरो बैटल मशीन के, तो ये हमारा लेवल 2 का है, ज़्यादा कुछ अपग्रेड नहीं किया इसको। फिर इसको भी मैं ज़रा चेंज कर देता हूँ ताकि और डिटेल में बता सकूँ आपको। ये कर दिया हमने चेंज, जैसे कि आप देख सकते हैं वापस से कॉमन आइटम्स अब एक जगह आ चुके हैं। पहले बात करते हैं हमारे डिफेंस की। हमारे जो आर्चर टावर है वो एक लेवल 5 का है, एक लेवल 3 है और एक लेवल 6 का है। हमारे जो क्रशर्स है वो एक लेवल 4 का है और एक लेवल 2 का है। बात करें फायर क्रैकर्स की, तो वो है एक लेवल 5 का और एक लेवल 4 का। एलेक्सा, ओ एलेक्सा नहीं, हमारे जो पुश ट्रैप है वो चारों लेवल 6 के हैं। हमारे डबल कैनन लेवल 4 के हैं। हमारा एक मल्टी मोटर लेवल 3 का है। हमारे जो नॉर्मल कैनन्स है वो दोनों भी लेवल 5 के है। हमारा ये रोस्टर लेवल 1 का, और ये हमारा गार्ड पोस्ट लेवल 4 का है। अभी बात करते हैं हमारे रिसोर्सेस की, तो ये हमारे लेवल 5 के गोल्ड माइंस, और जो हमारे गोल्ड स्टोरेज है वो जैसे कि आप देख सकते हैं भर चुके हैं, दोनों भी लेवल 5 के हैं। फिर हमारे जो एलेक्सा है वो कलेक्टर, एलेक्सा कलेक्टर जो है हमारे, वो दोनों लेवल 6 के हैं, और इनके जो स्टोरेज है वो दोनों लेवल 5 के हैं। और हमारा जो जेम माइन है वो है लेवल 4 का। और हमारे पास 4 आर्मी कैंप्स हैं इधर, उनके कुछ लेवल्स नहीं रहते। बात करें हमारी बैरिक्स की, तो
वो है लेवल 8 का, और ये हमारा है क्लॉक टावर लेवल 5 का, और ये हमारे वॉल्स है लेवल 4 के, और ये लेवल 3 के वॉल्स। और जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे मास्टर बिल्डर हमारे होम विलेज मार्च टावर को अपग्रेड कर रहे हैं, तो अभी इधर है नहीं तो कुछ ज्यादा अपग्रेड कर नहीं सकते हम। आज को भी नॉर्मल जैसे हम रखते हैं उसको कर देते हैं, ये हो गया हमारा एक्टिव जैसे हम रखते हैं। ये तो आपने हमारा विलेज देख लिया रहेगा। अब बात करते हैं मेरी अटैक स्ट्रेटेजीज के बारे में। तो जब मैं बिल्डर विलेज में रहता हूँ मेरे को मस्त बार भी पसंद आता है। तो ये तो हो गया हमारा इंट्रोडक्शन दोनों विलेजेस का। अब मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा और उम्मीद करता हूँ आपको मेरे दोनों विलेज पसंद आए रहेंगे। जैसे कि हर यूट्यूबर अपना वीडियो एंड करता है, हम भी अपना वीडियो कुछ इस तरह एंड करेंगे।